हेलो दोस्तों, एमआरएससी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त सज्जल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कंप्रेसर का सक्शन लाइन में हमारा आइस क्यों आता है। सक्शन लाइन में बहुत टाइम देखे होंगे, सक्शन लाइन में आ जाता है स्प्लिट एसी हो गया, पैकेज हो गया, डीएक्स हो गया या बाकी जो भी यूनिट है, चिलर वगैरह। तो सक्शन लाइन में आइस आने का रीजन क्या है, हम इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो 10 ऐसे रीजन है जो मोस्टली ये चीज फेस ये सब होने से जो है हमारा सक्शन लाइन में आइस आता है, इसके बारे में आज हम लोग को बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। और हम अपने चैनल में बहुत तरह के प्रैक्टिकल वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं और थ्योरी वीडियो भी हम अपलोड करते रहते हैं। एचवीएसी, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल जो भी है उसके हिसाब से हम डालते हैं। तो सबसे फर्स्ट में देखिए, हम लोग जानते हैं क्या रीजन हो सकता है। सबसे फर्स्ट में हमारा है फिल्टर चॉक। फिल्टर चॉक होने से जैसे आप देखे होंगे कि आपका जो स्प्लिट एसी वगैरह रहेगा उसका सामने में आप ढक्कन खोलेंगे तो फिल्टर लगा रहता है, वो ज्यादा दिन तक सर्विस नहीं किया गया है तो उसके ऊपर जो है पूरा मट्टी का धूल पूरा जम जाता है, या ऐसा लोकेशन में लगाया हुआ है जो बहुत जल्दी जल्दी जो है वहां पे डस्ट को खींच करके वहां पे, क्योंकि वो रिटर्न एयर फिल्टर रहता है वहां पे, तो उस पे डस्ट आने से जो है इवेपोरेशन अच्छा से नहीं हो पाता है, मतलब अपना रेफ्रिजरेंट और एयर के बीच में जो है कॉन्टेक्ट नहीं बन पाता है, जिसके जरिए हमारा जो है सक्शन लाइन में आइस आने लगता है। आइस आता ही कब है, जब हमारा इवेपोरेशन फेल्यूर हो जाता है, मतलब रेफ्रिजरेंट जो है वहां पे इवेपोरेशन नहीं हो पाता है सक्शन लाइन में किसी तरह से, तब हमारा जो है सक्शन लाइन पे आइस आने लगता है। दूसरा हम लोग जानेंगे दूसरा क्या है, दूसरा क्वाइल चॉक। देखे होंगे बहुत दिन तक, एक साल, दो साल, तीन साल सर्विस नहीं हुआ तो क्वाइल के अंदर भी बहुत सारा स्केल आ जाता है, उसके ऊपर बहुत डस्ट पड़ते पड़ते जो है ना वो स्केल आ जाने के कारण भी जो है हमारा हीट का ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो हमारा सक्शन लाइन में आइस आने लगता है। तो आप क्या करेंगे, कूलिंग क्वाइल को आप पंप के द्वारा पूरा अच्छा से क्लीन सर्विस करेंगे, या केमिकल एक आता है डीएस्केलिंग केमिकल, वो केमिकल को आप उसके ऊपर डाल करके क्लीन करेंगे, बाद में जो है आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आइस नहीं आएगा। थर्ड आता है ब्लोअर चॉक। ब्लोअर जो होता है, अगर उसके अंदर देखे होंगे जहाँ किचन उचन में ज्यादातर लगाया रहता है ब्लोअर, तो उसके नीचे में जो है ना मोटा मोटा पूरा काई जैसा जम जाता है, बहुत छोड़ाने से छूटता नहीं है इजिली, ठीक है। अगर उस भी ज्यादा उसके अंदर स्केल आ जाता है तो क्या है, एयर का बराबर जितना काटना चाहिए फ्लो होना चाहिए वो नहीं होगा, तो जिसके चलते भी हमारा सक्शन लाइन में आइस आने लगेगा। चार नंबर है रिले कॉन्टेक्टर स्टक हो जाता है। जैसे कि अभी आउटडोर यूनिट में रिले या कॉन्ट्रेक्टर लगाया रहता है, जो कम्युनिकेशन इधर से नीचे से कंट्रोल सप्लाई जो जाता है आउटडोर यूनिट को, ये मतलब जैसे अभी टेम्परेचर आ गया अब कंप्रेसर को बंद करने के लिए, लेकिन अभी वो अगर स्टक हो जाता है, वो कॉन्टेक्ट जो है पकड़ लेता है, तो अभी इसको कंट्रोल जाएगा डिस्कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा, पावर यहां से जाने के बाद भी वहां में पावर मिलेगा नहीं, लेकिन कॉन्ट्रेक्टर में जो है वो कॉन्ट्रेक्टर पकड़े रहेगा, तो जो पावर का सप्लाई है वो सीधे आगे कंप्रेसर में जाते रहेगा, और कंप्रेसर जो हमारा कंटिन्यूअसली रनिंग रहेगा, तो जिसके चलते भी हमें आइस आ जाएगा सिस्टम में। ब्लोअर का डायरेक्शन चेंज हो गया, मान लो हवा को काटने के लिए क्लॉकवाइज मान लो डायरेक्शन चाहिए, अब उसको एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो उस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, हमारा आइस आने लगेगा। छठा नंबर एक्सपेंशन बल्ब चौक या कैपिलरी, बड़े यूनिट में क्या है एक्सपेंशन बल्ब अगर चौक होता है तो वो सक्शन लाइन में आएगा आइस, और कैपिलरी ट्यूब आप लोगों को मालूम होगा छोटे यूनिट में स्प्लिट विंडो वगैरह में कैपिलरी ट्यूब यूज किया जाता है, वो भी ब्लॉकेज हो जाता है तो हमारा सक्शन लाइन में आइस आएगा। सातवां नंबर जानते हैं इंडोर मोटर कैपेसिटर वीक हो गया। इंडोर मोटर का अगर कैपेसिटर भी वीक हो जाता है तो जो फैन का स्पीड है वो कम स्पीड हो जाएगा, उस सिचुएशन में भी हमारा जो है आइस आएगा। आठवां नंबर है ब्लोअर ब्रोकन या बेल्ट डिफेक्टिव। पैकेज वैकेज लगा हुआ है तो उसका इंडोर में बेल्ट ड्राइव रहता है, तो बेल्ट भी टूट जाता है तो पूरा देखेंगे कूलिंग कॉइल में जो है ना फुल आइस आ जाता है, क्योंकि वहां पे एवेपोरेशन नहीं हो पाता है, कंडेंसेशन जो भी है नहीं हो पाता है। और ब्लोअर ब्रोकन है कि मतलब छोटा यूनिट जो भी लगा हुआ है ब्लोअर अगर टूट जाता है, उसका एक दो पत्ती टूट जाता है, तो भी हमारा सक्शन लाइन में आइस आएगा। नेक्स्ट हमारा ये पीसीबी में कभी एक डिफेक्टिव आईसी, अगर आईसी भी डिफेक्टिव हो जाता है उस सिचुएशन में भी हमारा जो है इंडोर यूनिट काम नहीं करेगा और हमारा सक्शन लाइन पे पूरा आइस आ जाएगा, पूरा क्वाइल पे आइस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंडोर मोटर ओपन हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, स्टक हो जाता है, जाम हो जाता है, या किसी तरह से वो शॉर्ट हो जाता है, वो नहीं चलता है, बंद हो जाता है, उस सिचुएशन में भी हमारा क्या है सक्शन लाइन पे आइस आएगा। तो ये मोस्टली ज्यादातर ये ही सब रीजन ही आपको फेस करने को मिलेंगे, और भी हो सकते हैं हम नहीं कह सकते, लेकिन
जब आप एक एक करके सब ये सब प्रॉब्लम चेक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा और आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यही था आप लोगों के लिए। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर इसे सेंड करें। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अपना आप ख्याल रखें।